हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एवरी मंच। मैं हूँ सरिता और आप सब लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आ गई हूँ सावन स्पेशल। तो सावन स्पेशल में मैं आप लोगों के लिए लेके आ गई हूँ घेवर की रेसिपी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि सावन जैसे ही स्टार्ट होता है वैसे ही फेस्टिवल्स भी आने चालू हो जाते हैं। सो अभी तुरंत ही रक्षाबंधन आने वाला है और तीज भी आने वाला है, उसके बाद गणपति बप्पा भी आ जाएंगे। सो लाइन से हम लोग जो है फेस्टिवल इंजॉय करने वाले हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आ गई हूँ बहुत ही आसान तरीके से बनने वाली घेवर की रेसिपी। तो आज मैं बहुत सारे टिप्स और ट्रिक्स के साथ आप लोगों को जो है घेवर बनाना सिखाने वाली हूँ। अगर आप बिगनर्स भी हैं तो भी आप बहुत आसान तरीके से अपने घर पे घेवर बना सकते हैं और ये राखी अपने भाई को भी खिला सकते हैं और आप खुद भी खा सकते हैं। सो फिर चलिए बिना देर किए हम लोग घेवर बना लेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको जाए। सो फिर चलिए बिना देर किए हम लोग घेवर बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बर्तन लेंगे, उसके अंदर घी ऐड करेंगे। तो मैं 2 चम्मच घी ऐड कर रही हूँ खाने वाले चम्मच से, और ये जमा हुआ घी है। अगर आप पिघला हुआ घी लेते हैं तो 4 चम्मच ऐड कर दें। घी डालने के बाद इसके अंदर अभी ऐड करेंगे हम आइस क्यूब। तो मैंने 2 ले लिया है। अगर आपका आइस क्यूब बड़ा हो तो आप एक ही बड़ा सा ले लें ताकि आपको फेंटने में आसानी होगी। अभी आइस क्यूब के साथ घी को तब तक मिक्स करते जाइए जब तक कि ये बटर जैसा ना हो जाए, एकदम सॉफ्ट और क्रीमी हो जाए, तब तक इसे फेंटते रहना है। और बर्फ़ से ही फेंटना है, ऐसे नहीं फेंटना है, क्योंकि इसे हमेशा ठंडा रखना है, तो इसका ध्यान रखें। और ये देखिए अभी ये बटर फॉर्म में आ रहा है, तो बस एकदम क्रीमी और बटरी जब ये हो जाए तभी इसमें से जो है आइस आप निकाल के अलग कर सकते हैं। तो अभी आइस निकाल देती हूँ मैं और आपको दिखाती हूँ पास से कि ये देखिए कितना क्रीमी टेक्सचर आया इसको। तो बस इतना ही फेंट लेना है आप लोगों को। फेंटने के बाद अभी इसके अंदर हम ऐड करेंगे मैदा। तो मैदा मैं छोटे कप से 1.5 कप मैदा ले ली हूँ। तो मैदा को छान के लेना है, उसके बाद मैदा और घी अभी इकट्ठे अच्छे से मिक्स करना है। पूरा अच्छे से मल ले एक साथ और पूरा मिक्स कर दें। पूरा मिक्स करने के बाद अभी सबसे एंड में हम इसमें ऐड करेंगे ठंडा पानी, जो बहुत ज़रूरी है। बिना ठंडा पानी का आप एक घोल तैयार नहीं कर सकते। इसमें कंपलसरी ठंडे पानी से घोल तैयार करना है। तो इसे गर्म नहीं होने देना है, ठंडा ठंडा पानी डालते जाना है और इसका एकदम स्मूथ घोल जो है आपको तैयार कर लेना है। इसमें बिल्कुल भी गुठली ना रहे उसका ध्यान रखें। मैदा है तो आप डायरेक्ट से ज़्यादा पानी अगर ऐड कर देते हैं तो गुठली हो जाता है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालें और इसका गुठली निकालते हुए जो है घोल बना के तैयार करें। इकट्ठे बहुत ज़्यादा पानी ना डालें। साथ ही इसमें 1/2 नींबू ऐड कर रही हूँ। तो 12 से 15 बूंद अगर आप नींबू का रस डाल देते हैं तो भी काफ़ी हो जाता है। नींबू का रस इसीलिए डालते हैं जब आप घेवर बनाते हैं तो ये काफ़ी जालीदार और अच्छा घेवर बन के तैयार होता है, तो इसमें नींबू का रस ज़रूर ऐड करें। तो ये देखिए अभी घोल जो है मैंने काफ़ी अच्छे से तैयार कर लिया है और अभी ये रेडी है। तो अभी ये कढ़ाई गर्म कर रही हूँ मैं। तो मैं आज इसे कढ़ाई में बनाने वाली हूँ। मोटे तले का कढ़ाई लिया है मैंने। अगर आपके पास पतीला हो तो मोटे तले का पतीला ले और उसमें बनाए। आप इसे घी या तेल किसी भी चीज़ में फ्राई करके निकाल सकते हैं। तो मैंने तेल ऐड कर दिया है और इसे एकदम हाई फ्लेम पे गरम करना है और फ्लेम को हाई ही रखना है क्योंकि घेवर हमें एकदम हाई फ्लेम पे बनाना है। अभी इसमें थोड़ा 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 मटेरियल डालते जाएंगे। इकट्ठे पूरा नहीं डालना है आपको, थोड़ा थोड़ा गिराना है जिस तरीके से मैं डाल रही हूँ, ध्यान से देखिएगा। और धीरे धीरे डालने के बाद इसे आप चाकू या फिर लकड़ी के मदद से इसे साइड करते जाए, किनारे लगाते जाए और डालते जाए। फ्लेम अभी भी मैंने हाई रखा हुआ है तो फ्लेम लो नहीं करना है। अगर आप लो फ्लेम कर देंगे तो आपका घेवर अच्छा बन के तैयार नहीं होगा। तो हाई फ्लेम पे ही इसे बनाते जाना है। और आप देख रहे हैं कि मैं बीचों बीच थोड़ा 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 ऐड कर रही हूँ और ये घेवर जो है काफ़ी जालीदार बनना चालू हो गया है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। और जब भी इसका झाग थोड़ा कम हो जाए तो धीरे धीरे इसे साइड करते जाना है।
तो जब भी आप इसके अंदर मटेरियल डालते हैं तो ये देखिए झाग ऊपर आता है, तो जब झाग थोड़ा सा कम हो जाता है उसके बाद इसे साइड से किनारे लगाते जाना है, चाकू लकड़ी या किसी भी चीज़ से बस आप इसे साइड करते जाइए ताकि बीच में जगह हो आपको मटेरियल डालने के लिए। तो बहुत ज़्यादा एक बार में ऐड ना करें, काफ़ी ऊपर आ जाता है, और तेल इतना ऐड करें जिसमें आपका घेवर जो है डूबा हुआ रहना चाहिए। ये डूबा हुआ रहेगा तो ही ऊपर और नीचे से पूरा आप अच्छे से तल पाएंगे, क्योंकि घेवर को हम पलटते नहीं हैं, सिर्फ एक साइड से ही इसे पूरा तल के निकालना होता है, तो इसका ध्यान आप ज़रूर रखें। और ये देख रहे हैं आप कि डालते डालते ही पूरा घेवर जो है अभी कलर चेंज हो रहा है, अभी इसे डार्क करेंगे हम लोग, गोल्डन कलर का हो जाएगा तब तक इसे हम फ्राई करेंगे। तब तक बीच में जब तक थोड़ा थोड़ा जगह है तब तक मैं डालते जा रही हूँ। तो डालते टाइम फ्लेम को मैंने पूरा हाई रखा था, और जब डाल के हो जाए उसके बाद फ्लेम आप मीडियम कर सकते हैं, और मीडियम फ्लेम पे जो है आप घेवर को अच्छे से सेक ले, थोड़ा भी कच्चा ना रहने दे इसका ध्यान रखें, और चाकू की सहायता से इसे साइड से अलग कर ले। हालांकि बहुत जल्दी अलग हो जाता है, इसे ज़्यादा दबाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसने किनारा अभी छोड़ दिया है, और अभी इसे अच्छे से तेल में ऊपर से भी सेकने देते हैं, और अच्छे से जब ये पूरा गोल्डन हो जाएगा तब हम निकालेंगे। तो मैं आपको पूरा अच्छे से दिखा रही हूँ, तो स्टार्ट टू एंड अच्छे से देखते जाइए, और आप भी अपने घर पर घेवर ज़रूर बनाइएगा। और ये देख रहे हैं कि घेवर जो है अभी लगभग बनके तैयार है। थोड़ा सा अलग कर देती हूँ, जहाँ से भी रह गया होगा वहाँ से भी अच्छे से सेक के तैयार हो जाएगा। तो जब आप घेवर को अलग करते हैं तो थोड़ा सा ध्यान से करें, क्योंकि ये स्टार्टिंग में बहुत ही हल्का होता है और टूटने का डर होता है, तो इसे काफ़ी आराम से चाकू की सहायता से ऊपर उठाना है, और पूरा तेल जो है निचोड़े, क्योंकि तेल बहुत ज़्यादा सोखता है, क्योंकि ये होता है इतना क्रिस्पी और जालीदार है। तो आप तेल या घी जिसमें भी बनाएंगे बहुत ज़्यादा तेल इसके अंदर रहता है। तो निकालते टाइम आपको क्या करना है, कोई भी एक जाली ले लेना है, और नीचे प्लेट रखना है, ऊपर जाली रखना है, और उसके बाद ऊपर घेवर डाल दे ताकि जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल या घी हो वो निकल के प्लेट में आ जाए। तो अभी हम बना लेंगे चाशनी। तो चाशनी बनाने के लिए सबसे पहले सॉस पैन को हम गर्म कर लेते हैं, और उसके अंदर ऐड करेंगे एक कटोरी शक्कर, और उसी कटोरी से एक कटोरी जो है हम पानी ऐड कर देंगे। तो पानी डालने के बाद शक्कर को जो है हम अच्छे से उबलने देते हैं पहले, और इसे अच्छे से हम मिक्स कर देंगे, और चीनी को अच्छे से घुलने देते हैं, और इसी के अंदर आप इलायची भी डाल दें। तो तीन इलायची मैंने हाथ से कूट दिया है, और कूटने के बाद इसमें ऐड कर दी हूँ मैं। इलायची ज़रूर डालें, इससे खुशबू अच्छी आती है, और साथ ही एक चुटकी जो है मैंने येलो कलर डाला है, ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहें तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि इसमें कलर डालना ही है। अब इसे तब तक उबालेंगे जब तक कि ये एक तार की चाशनी नहीं बन जाती है तब तक। तो एकदम जैसे मध जैसे उंगली पर चिपकने लगे तो समझ जाइए कि ये चाशनी तैयार है। तो चाशनी बना के और फिर गैस बंद कर देंगे, और अभी चाशनी रेडी हो चुका है। तो अभी हम गैस बंद करेंगे और उसके बाद फिर आगे की तैयारी करेंगे। जब तक ये चाशनी नॉर्मल होता है हम लोग रबड़ी बना लेते हैं, तो उसके लिए मैं दूध ऐड करूँगी। तो सबसे पहले सॉस पैन गरम करें, या जो भी पतीला आपके पास हो वो गरम करें, उसके अंदर दूध ऐड कर दें। तो ये पहले से ही उबला हुआ दूध है, तो ये इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है। अभी दूध को उबलने दे, और साथ ही इसमें एक चम्मच सिर्फ शक्कर ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मैंने पहले ही चाशनी बना लिया है, तो बहुत ज़्यादा शक्कर इसमें ऐड नहीं करना है रबड़ी बनाने के लिए, बस एक चम्मच ऐड करें, नहीं तो चाहे तो आप स्किप कर सकते हैं अगर आप कम मीठा खाना पसंद करते हैं तो। अभी इसमें एक कटोरी मैं ली हूँ मिल्क पाउडर, ये इंस्टेंट रबड़ी है, तो आपको बहुत देर तक दूध को उबाल के गाढ़ा करने की ज़रूरत नहीं है, आप इंस्टेंट रबड़ी बना सकते हैं, और फटाफट से जब भी मन हो आप घेवर बना के खा सकते हैं। तो अभी तो मैंने फ़िलहाल एक कटोरी डाला है, इसमें और ऐड करूँगी, साथ ही इसके अंदर मैं ऐड करती हूँ आधा चम्मच घी। घी ज़रूर डालें इसके अंदर, काफ़ी खुशबू भी अच्छी आती है और टेस्ट इसका जो है बहुत बेहतरीन हो जाता है, तो घी ज़रूर ऐड करें।
तो मैंने इसके अंदर टोटल में 2 कटोरी मिल्क पाउडर ऐड किया है। तो 1.5 कटोरी अगर आपका दूध हो तो 1.5 कटोरी आप मिल्क पाउडर भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। और अगर आपको लगे कि बहुत पतला है, बहुत जल्द बन के तैयार नहीं हो रहा है, तो मिल्क पाउडर का जो मात्रा है थोड़ा बढ़ा दें। ये बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाता है और गाढ़ा हो जाता है। तो अभी ये तैयार हो गया है, तो अभी मैंने एक प्लेट ले लिया है और इसके अंदर जो है घेवर पहले रख देती हूँ। काफ़ी हल्के हाथ से इसे उठाना है, इतना हल्का होता है और क्रिस्पी होता है कि ये जल्दी टूट जाता है। तो 3 घेवर मैंने बना के तैयार किए हैं, ऐसे 4 घेवर बना था लेकिन चौथा वाला काफ़ी पतला और छोटा बना था। तो अभी इसके अंदर ऐड कर रही हूँ मैं चाशनी। चाशनी देख रहे हैं आप, एकदम मध जैसा बन के तैयार हो गया है। तो मैं बहुत कम मात्रा में चाशनी डालूँगी क्योंकि काफ़ी गाढ़ा है तो मीठा भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो सबसे पहले घेवर के ऊपर चाशनी ऐड कर देना है आपको। चाशनी डालने के बाद अभी जो हम लोगों ने रबड़ी बना के तैयार किया है, वो रबड़ी अभी ठंडा होने के बाद देख रहे हैं कि अब गाढ़ा हो गया है, तो ठंडा हो जाए उसके बाद फिर आप इसके ऊपर से पूरा रबड़ी फैला के डालें। तो आपके ऊपर है, जितना अच्छा लेयर रबड़ी का आप डालते हैं उतना अच्छा घेवर खाने के लिए लगेगा। तो रबड़ी अच्छे से फैलाते हुए चारों तरफ से डालें। हल्के हाथ से डालना है, बहुत प्रेस नहीं करना है चम्मच से, बस हल्के हाथ से रबड़ी को फैलाते हुए जाएं। तो आप लोग देख रहे हैं कि मैंने आपको कितना इंस्टेंट रबड़ी बनाना सिखाया है और साथ ही घेवर भी काफ़ी अच्छा बन के तैयार हुआ है। तो जिस माप से मैं आप लोगों को सिखाई हूँ और जिस तरीके से, उस तरीके से अगर आप लोग ध्यान से मेरा पूरा वीडियो देखते हैं और इस तरीके से अगर घेवर बनाते हैं, तो यकीन मानिए आपका घेवर कभी ख़राब नहीं होगा। तो कभी भी वीडियो पूरा देखें और उसके बाद बनाना स्टार्ट करें और आपका घेवर ज़रूर अच्छा बन के तैयार होगा। अभी पूरा रबड़ी डालने के बाद इसके ऊपर से कटा हुआ बादाम और पिस्ता जो है छिड़क दे और ये जो घेवर है बन के तैयार है। तो आप देख रहे हैं ना कितना आसान है घेवर बनाना। तो इस रक्षाबंधन ज़रूर अपने घर पे घेवर बनाइएगा और खाइएगा भी, और बिल्कुल भी देर ना कीजिए, जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आप लोग को घेवर कैसा लगा। तो ये लीजिए गाइस, घेवर बनके तैयार है। तो आप लोग भी देर न करें, आप लोग भी अपने घर पे ये रक्षाबंधन घेवर बनाए खाए और ये राखी जो है फुल टू एंजॉय करें। और अगर आप लोगों को ये घेवर की रेसिपी पसंद आ गई हो तो देर न करें, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर ले ताकि जितने भी वीडियो मैं डालूँ उसके नोटिफिकेशन आपको जाए। और हाँ, अच्छा लगा हो तो कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा और ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे रेसिपी लेके आते रहूँगे। सो फिर चलिए, मिलती हूँ ऐसे ही एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।